whether it's a job, it's marriage or whatever it is, हम बहुत pros and cons के list बनाते हैं and we have a plan A, plan B, ये सब. तो दीदी इसको ज्ञान के साथ कैसे ऐसे जोड़े कि चिंतन जब मन करने लगता है तो वो actually चिंता में नहीं बदल जाए और उसमें कर्तापन नहीं आ जाए, but we are still doing the planning that is required. टू मेक दैट कॉल दीदी. प्लानिंग क्या बेटा, अंदर से प्रेरणा, हमको अंदर से प्रेरणा आती है, हम चलते हैं, बस प्रेरणा से चलते हैं. और थोड़ा बहुत हमको कॉमन सेंस रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत ना, कि दिनचर्या है, सुबह उठता है, उठते हैं, रात तक जो है शरीर को क्या जरूरत है, ये वो थोड़ा सा ध्यान दे, बाकी प्रेरणा से चल. और अंदर में इतना विश्वास, इतना विश्वास, इतना विश्वास कि मालिक तो मेरे साथ. इनफैक्ट इट शुड बी एक्साइटमेंट, एवरी सेकेंड इज रेडी टू गिव मी अ गिफ्ट ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस, एंड दैट एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर माई इंटरनल ग्रोथ. कॉमन सेंस भी रखना है, विश्वास भी रखना है, सीखते भी जाना है, अनवाइंड भी होना है, ये भी जरूरी है. एसी डीसी जो हम बोलते हैं ना, ये देखो दोनों पावर, इनपुट आउटपुट. फॉर एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू वर्क सक्सेसफुली देयर इज एन इनपुट, देयर इज एन आउटपुट. सिमिलरली दैट इज द केस विद आवर माइंड ऑल्सो. तो बैलेंस बेटा, प्लानिंग उतनी ही कर, उससे आसक्त मत हो जा. जो तेरे मन से प्लान हुआ हुआ, अगर वो खेल नहीं हुआ मतलब देयर इज अ बेटर प्लान, देयर इज अ बेटर प्लान.